महीना पहले साइकिल में हवा भरने के लिए खे वाला पंप खरीदे थे, लेकिन पहले दिन जब हवा भरने चले, भरे मजे भर लिए, थोड़ी देर बाद फट के फ्लावर हो गए, यानी पहले दिन में इसका काम तमाम हो गया। लेकिन जुआड़ना जब हम लोग हॉस्टल में रहते थे तब लगाते थे। हॉस्टल में जो खटिया होती थी उसका पाइप रेक्टेंगुलर पाइप था, उसमें उतना मजा नहीं आता था। देखिए सर्कुलर पाइप, इसमें ना पैर में थोड़ा भी गड़ नहीं रहा और एकदम मस्त ग्रिप बन रहा है। खटिया का डबल फायदा। हेलो माइक चेक, हेलो 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 भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, अभी हम आपको एक जादू दिखाएंगे, तो आप तैयार हैं? आर यू रेडी? यस आई एम रेडी, लेट्स गो। जादू दिखा, दिखाना। सो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? मैं हूं गुलफाम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार अभी एक घंटे पहले मैं इसी रोड पे आया था, तब भी मौसम ऐसा था, लग रहा था अभी बारिश होगी और एक घंटे बाद भी देखिए मौसम ऐसा ही है, लेकिन अभी तक बारिश हुई नहीं और ऐसा लग रहा है कि बारिश होगी भी नहीं, लेकिन मौसम बड़ा मस्त हुआ, धूप वूप नहीं हुई है, क्या बात है, वाह। और इस रोड पे रोज टैंकर वाले पानी गिरा गिरा के एकदम कच्च कच्च कर देते हैं, जैसे देखिए अभी यहाँ प्रोसेस कंटिन्यू है, इस रोड को ठोस बनाया जा रहा है। देखिए पानी गिरा है, इससे बारिश नहीं हुआ लेकिन फिर भी लग रहा जैसे बारिश तो हो गई यहाँ पे। यार पता नहीं क्यों पिछले कुछ दिनों से जब भी मेरा ब्लॉग करने का मन करता, जब भी मैं अपने हेलमेट में कैमरा लगाता, मौसम अपने आप खूब मस्त हो जाता है, खूबसूरत सा, और मुझे ब्लॉग करने में मज़ा आता है। और आज मैं इस ब्रिज के ऊपर से नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे बीच में से मारना है लेफ्ट टर्न, इसीलिए नीचे से चलना पड़ेगा। यहाँ से लेफ्ट टर्न मारने पे रास्ता सीधा जाता है आजमगढ़। ऐसे सीधा चले जाएंगे तो ये आपको लेके चला जाएगा आजमगढ़, लेकिन हमको आजमगढ़ तो नहीं जाना है, थोड़ा दूर आगे तक जाना है। इस रोड पे रोड की हालत भी बड़ी ख़राब है और यहाँ जाम भी बड़ा मस्त लगता है क्योंकि इधर सब्जी मंडी है आगे बहुत बड़ा बार। और अभी आप जो बगल में देख रहे हैं ना, ये पूरा बगीचा है, ऐसे कॉमन बगीचा नहीं, इसका नाम है, ये है राय साहब का बगीचा, यहाँ का एड्रेस यही है और पूरा सब्जी मंडी है। यार इतना रात हो गया, तभी जहाँ गए थे वहाँ बैठे दो तीन घंटा शायद बैठे ही थे, अब उसके बाद निकले, देख रहे हैं भैया यहाँ एकदम अंधेरा हो गया। कोई बात नहीं, अंधेरा कायम रहे, हम कंटिन्यू रहेंगे। वैसे जो रोड पे आप नज़ारे देख रहे हैं ऐसा कई महीनों बाद नसीब हुआ है क्योंकि अब 9 बजे तक सारी दुकानें और सब लोग अलाउड हैं बाहर रहने को, लेकिन आज से कम 5-6 दिन पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। लास्ट टाइम था 5 बजे, यानी 5 बजे लॉकडाउन एकदम चालू लागू हो जाता था, लेकिन अब 9 बजे तक सब कुछ खुला रहता है, इसीलिए अभी तक हम भी बाइक लेके बाहर है, नहीं तो अब तक हम बाइक वाइक रख के साइकिल पे हो जाते थे। वैसे काम तो रहता ही था हमको इतने टाइम तक रात तक, लेकिन बाइक रख के हम साइकिल से हो जाते थे क्योंकि
आई डोंट वांट टू टेक रिस्क इन दीस केसेस, लेकिन रात में भी बाहर घूमने का मजा अपना अलग ही होता है कि नहीं। वैसे यार अब दुकान वाले लोग थोड़ा सा खुश हैं क्योंकि 9 बजे तक लोग अपना धंधा पानी कर पा रहे हैं, नहीं तो जल्दी से बंद कर लेना होता था और ज्यादा कमाई माई तो हो नहीं पाती थी, इसीलिए बहुत लोग काफी दुखी चल रहे थे काफी दिनों से। लेकिन अब थोड़ा बहुत लोग रिलैक्स हो रहे हैं धीरे धीरे, फिर भी अब पहले की तरह तो होने में बहुत टाइम लगेगा। और यार ये बगल में जो नदी है इसमें पानी भर रहा है, लेकिन अभी हम आपको दिखा नहीं सकते क्योंकि रात हो गया, दिखेगा ही नहीं, फिर कभी दिखाएंगे इसमें कितना पानी भर गया, मैं खुद नहीं देख पाया। आज सुबह तो किसी ने बताया था कि वरुणा नदी भर रही है, लेकिन हम देख ही नहीं पाए। क्या बात है, ट्रैफिक खुला है। ये देखिए ये दोनों चौराहे जो अभी आपको दिखे यहाँ से ना, यहाँ पे कोई चेकिंग, उतना ज्यादा चेकिंग नहीं होती है, लेकिन इसके बाद जो अगला चौराहा आता है तेलिया बाग, वहाँ तो पक्का चेकिंग होती थी जब लॉकडाउन चलता था, जैसे 5 बजे के बाद नॉट अलाउड हो जाता था, तो इन चौराहों पे, इन पिछले चौराहों पे कोई चेकिंग नहीं होती थी। लेकिन आगे के जो दो चौराहे हैं जहाँ से हमको जाना होता था, तेलिया बाग चौराहा और लहुरा बीर चौराहा, वहाँ से होके मुझे जाना होता था चेतगंज, लेकिन इन दोनों चौराहों पर पक्का चेकिंग होती रहती थी हमेशा, इसीलिए हम अपना बाइक रख देते थे आराम से, साइकिल पे हो जाते थे, नो टेंशन ऑफ चेकिंग। लेकिन अभी हम बाइक से ही जा सकते हैं क्योंकि अभी कोई चेकिंग नहीं हो रही। चलिए आगे तेलियाबाग चौराहा आ रहा है, आपको दिखाते हैं हो रहा है कि नहीं, खड़े तो हैं भाई लोग। ये देखिए पुलिस वाले अभी बैठे हैं, देखिए लेके खड़े तो हैं, ये लोग चेकिंग करते हैं अभी, आज तो नहीं कुछ बोल रहे हैं। देखिए बैरिकेड लगाए, यहाँ पक्का चेकिंग होती रहती है। व्हाट इज गोइंग ऑन हियर, नथिंग। कर ले जुआड़, कर ले कोई जुआड़। अब तेलिया बाग चौराहे के बाद यहाँ देखिए लौरा बीर चौराहा, यहाँ भी चेकिंग हमेशा होती रहती है, लेकिन आज देखिए आज यहाँ भी कुछ नहीं हो रहा है, नॉर्मल है सब। देखिए पुलिस वाले बैठे हैं साइड में कुर्सी लगा के। और इसी प्रकार हम पहुँच गए अपने अगले डेस्टिनेशन पे, अब यहाँ से निकलेंगे 1.5 घंटे बाद। लेकिन अब हम लगाएंगे इसमें एक जुआड़, क्योंकि नीचे का पूरा ना ये रबड़ सेक्शन आप अगर देख पा रहे होंगे तो देखिए यहाँ से फटा हुआ है। तो अब इसमें ना हमें 10 रुपया वाला टेप लगाएंगे, इसको लगा के चिपकाएंगे, ढेर सारा ऐसे 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 राउंड कर देंगे। अगर ये मजबूत हो गया, अगर काम कर गया तो थोड़ा सा तो चलेगा, अब पहले दिन अगर ख़राब हो गया तो पैसा वसूल तो हो नहीं पाया, तो कुछ तो करना पड़ेगा। खूब मोटा सा तो लगा दिए, हवा भर के देखते हैं कितना देर तक चलता है, कितना इसकी वैलिडिटी है। यहाँ ऊपर से तो एकदम टाइट हो गया, लेकिन नीचे से लग रहा है अगर हवा निकलेगा तो यहाँ नीचे से निकल सकता है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा अच्छे से लग नहीं पाया है। ये सब रबड़ था, यहाँ अच्छे से लग गया था, यहाँ का सेक्शन थोड़ा सा मोटा इसीलिए नहीं लग पाया। हवा भर के चेक करते हैं, वही जो हम सोच रहे थे। ऊपर से तो नहीं निकला, लेकिन नीचे से जब ये गर्म हो गया ना, ये पाइप जब गर्म हो जाती है हवा के प्रेशर से, अरे देखिए मेल्ट भी कर गया, देखिए पतला हो गया, गजब पाइप है भैया। तो यहाँ से तो हवा नहीं निकला, लेकिन नीचे से निकलना पड़े, लेकिन छोड़े नहीं, भरे पूरा इसको एकदम दबा के, एक हाथ से इसको दबा लिए, एक हाथ से भर लिए, पूरा कंप्लीट हुआ, हवा भरा गया, काम हो गया। अब इस पंप से हम 2 बार भर लिए, 2-4 बार और ऐसे जुगाड़ लगा के भर लेंगे, पैसा वसूल हो जाएगा, तब फेंक देंगे।